हेलो दोस्तों, एलएम यानी लिसन मोर में आपका स्वागत है। आज का विषय है फ्रेज। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य का जीवन क्षमा भाव, धैर्य, शांति तथा प्रेम व सहिष्णुता के बिना अधूरा है, उसी प्रकार किसी वाक्य के बिना फ्रेज का अर्थ अधूरा है। यदि हम सिर्फ इन द रूम कह दें तो क्या संपूर्ण अर्थ स्पष्ट है? नहीं। लेकिन वही हम इसे वाक्य के साथ जोड़ें तो इसका संपूर्ण अर्थ अवश्य आएगा। जैसे ही इज रीडिंग इन द रूम, यहाँ इन द रूम का अर्थ अस्पष्ट है, अतः इन द रूम फ्रेज है। यहाँ वर्णित सारे शब्दों के समूह फ्रेजेस हैं, क्योंकि इनका एक्यूरेट सेंस नहीं है। जब तक इन तमाम शब्दों को वाक्यों में न जोड़ें, इनका अर्थ नहीं है। डेफिनेटली ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं। कुछ एक्सरसाइजेस नीचे दिए गए हैं और ऊपर के फ्रेजेस का इस्तेमाल इन एक्सरसाइज में हमें करने हैं। जैसे ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, वह मौत के कगार पे है। दे आर एट होम इन म्यूजिक, वे लोग संगीत में एट होम इन यानी निपुण है। ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ माई हेल्प, मेरी मदद के द्वारा वो सफल हो गया। बाई डिंट ऑफ ही हैज़ कम फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मनी, वह रुपए के वास्ते आया है, या फॉर द सेक ऑफ मीन्स के वास्ते। और ही वर्क्स ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ माई वर्क, वह काम करता है लेकिन उसका काम ठीक मेरे काम के विपरीत है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ मीन्स के विपरीत। नाउ लेट्स गो टू पैसेज विद ब्यूटीफुल वर्ड्स। और इन तमाम पैसेज में फ्रेज की चर्चा की गई है, हमें पता करने होंगे। वे जो इस अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, मौत के कगार पर हैं। ही हु हैड बीन गेटिंग ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ। फैमिली मेम्बर्स आर डेस्परेट, परिवार के सदस्य काफ़ी डेस्परेट यानी हताश हैं, हताशा में हैं, काफ़ी उदास हैं। इनिशियली हिज कंडीशन वॉज नॉट क्रिटिकल, शुरुआत में उनकी स्थिति क्रिटिकल यानी गंभीर नहीं थी। ही हैज़ बीन रिमेनिंग क्रिटिकल फॉर द लास्ट 2 डेज, वे पिछले 2 दिनों से क्रिटिकल हैं। मैनी पीपल हैव बीन गिवन थैंक्स फॉर स्पेंडिंग टाइम इन द हॉस्पिटल एंड सपोर्टिंग हिज फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे उनके रिश्तेदार लोग, उस फैमिली के रिश्तेदार लोग जो अस्पताल पहुँचे, उन्हें धन्यवाद दिया गया, क्योंकि उन सबों ने परिवार वालों को साथ दिया। इसमें ऑन द ब्रिंक ऑफ जैसा फ्रेज का इस्तेमाल किया गया था। लेट्स गो टू अनदर पैसेज। मेरा भाई अंग्रेजी में निपुण है लेकिन मैथ में उतना तेज नहीं है जितना उसे रहना चाहिए। माई ब्रदर इज एट होम इन इंग्लिश बट नॉट एज इंटेलिजेंट इन मैथ एज ही शुड हैव बीन। एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू मेक हिम इंटेलिजेंट इन मैथ, कोशिशें की जानी चाहिए ताकि वो मैथ में भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाए। ही नीड्स टू कल्टिवेट फॉर डीपर लर्निंग इन मैथ, इसके लिए उसे गहन अध्ययन करने होंगे। डीपर लर्निंग मीन्स गहन अध्ययन करने होंगे। दोस्तों, इस पैसेज में भी हमने एट होम इन जैसे फ्रेज का इस्तेमाल किया और कल्टिवेट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ही नीड्स टू कल्टिवेट फॉर डीपर लर्निंग, उसे गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, उसे करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स गो टू अदर पैसेज। वह मेरी सहयोग से फल फूल रहा है, वह आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर था कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। ही इज थ्राइविंग बाई डिंट ऑफ माई हेल्प, वह मेरी मदद के द्वारा फल फूल रहा है। ही वॉज सो विशस एंड पुअर दैट नो वन यूज टू गिव हिम रिगार्ड, वह इतना विशस मीन्स दुष्ट हुआ करता था, साथ ही गरीब था, कोई उसे इज्जत नहीं किया करता था, ना कोई उसे सम्मान मिला करता था। इफ आई हैड नॉट हेल्प हिम, यदि मैंने उसकी मदद नहीं की होती, ही वुड हैव बीन डिटेरियरेटिंग एंड रुइनिंग मोर, वह और बर्बाद होता चला जाता। द लैंडमार्क पॉइंट ऑफ हिज लाइफ वॉज जुलाई लास्ट ईयर, ही अर्न 2 लाख रुपीज इन अ मंथ। द लैंडमार्क पॉइंट ऑफ हिज लाइफ यानी जीवन में उसका एकाएक रुख बदला उस समय जब उसने एक ही महीने में 2 लाख रुपए की कमाई कर ली। यहाँ डिटेरियरेटिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, डिटेरियरेट मीन्स खराब होना तथा लैंडमार्क मीन्स रुख, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
दोस्तों इस प्रकार हमने फ्रेज की जानकारी हासिल की। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।